दोस्तों इस वीडियो में हम करेंगे गेमिंग टेस्ट A52S5G की, लेकिन आपने गेमिंग टेस्ट बहुत सारे देखे होंगे। ये गेमिंग टेस्ट थोड़ा अलग है क्योंकि इसमें आ चुका है One UI 4 का अपडेट, और One UI 4 के अपडेट के बाद फोन की परफॉर्मेंस, फोन की बैटरी कैसी रहती है, इसके लिए हम गेमिंग टेस्ट करने वाले हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर मीटर भी है, इसे चेक करेंगे कि फोन की जो टेम्परेचर है वो कितनी बढ़ती है आधे घंटे के गेमिंग करने के बाद। तो हम आधे घंटे गेम खेलने वाले, टाइम हो रहा है अभी 12:04। यहाँ पे मैंने 4 गेम्स को सिलेक्ट किया, तो इन 4 गेम्स को हम बारी बारी खेलेंगे। और बैटरी एक बार पहले देख लेते हैं, तो बैटरी यहाँ पे है 95% की। टेम्परेचर भी एक बार मेजर कर लेते हैं कि अभी टेम्परेचर फोन की कितनी है, उससे अंदाजा लग पाएगा कि कितनी बढ़ी है यहाँ पे टेम्परेचर। तो यहाँ पे अगर ये बॉडी टेम्परेचर है, एक बार इसको मैं चेंज करता हूँ, अब आ गया सरफेस टेम्परेचर, यहाँ पे आप देख सकते हो। और इसको अगर मैं पिन करूँ तो 30.9, 30.1, 30 डिग्री के आसपास यहाँ पे टेम्परेचर दिख रही है, 31। ओके, तो 31 बैक में है और फ्रंट में 32 के आसपास है आई गेस। स्क्रीन थोड़ी गर्म है, 32.3 यहाँ पे देखने को मिला, 32 है। और रूम टेम्परेचर मैं एक बार दिखा देता हूँ, रूम टेम्परेचर कितनी है, रूम टेम्परेचर है 24.8। तो यहाँ पे रूम टेम्परेचर काफ़ी कम है, और उसके बाद आधे घंटे बाद वापस चेक करेंगे कि क्या रिजल्ट रहता है। और ये 30 आपको शायद इसलिए भी दिख रहा होगा क्योंकि काफ़ी देर से मैं फ़ोन यूज़ भी कर रहा हूँ, गेम्स को मैंने डाउनलोड भी किया है, कुछ सेटअप्स भी किए हैं गेमिंग के लिए, और यहाँ पे फ्लाइट मोड वगैरह ऑन है, तो थोड़ी देर से मैं फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, इसके वजह से थोड़ा फ़ोन गर्म है। यहाँ पे ऐसा कोई चिंता वाली बात नहीं है। अब हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं अपने गेम्स को। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉल ऑफ ड्यूटी से। यहाँ पे हमने क्विक मैच से शुरुआत की है, और आमतौर पर कॉल ऑफ ड्यूटी लैग नहीं होता, तो मुझे उम्मीद है कि यहां भी लैग नहीं होगा। अब हीट कितना होता है ये देखने वाली चीज है। स्टार्ट करते हैं पहले गेम को, देखते हैं लैग होता है कि नहीं। सबसे पहले मुझे यही देखना है कि नया अपडेट आने के बाद क्या ये गेम लैग होता है, और खासकर एक दो मैच के बाद। तो अभी तो ये हमारा पहला मैच है, उसके पर ये एनिमीज है। तो मैंने अभी इसको इंस्टॉल किया, तो ये ज्यादातर मुझे उम्मीद है कि ईजी होगा, उतना हार्ड नहीं होगा इसको खेलना। ये बॉट है, ये लिटरली वही है, सारे बॉट्स है, ये कोई प्लेयर नहीं है। पहला मैच में सब बॉट्स ही होते हैं। ये मार नहीं रहा, मतलब हद है। ये सब बॉट्स है, ये लिटरली बॉट्स है, इनको मैं दिख भी नहीं रहा हूँ। ये प्लेयर रहते तो अभी ढूंढ ढूंढ के मार रहे होते मेरे को। मेरे टीम में जो है वो भी बॉट्स है, और ये लोग भी बॉट्स ही हैं। मैं इनके सामने घूम रहा हूँ। ये एपिक है यार। इस पे मैंने बहुत ध्यान नहीं दिया पहले, मतलब ऐसे रिकॉर्ड नहीं किया, तो इसलिए मेरे को बहुत ज्यादा आइडिया। अरे अरे अरे, एक मिनट, मारना मत, अरे मार। ओह शिट मैन, जैसा कि मैं बता रहा था कि ये बॉट्स है, लिटरली बॉट्स है। बट इससे पहले मैंने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया कि फर्स्ट मैच होता कैसा है। अभी मैं खेल रहा हूँ ऐसे, तो पता लग रहा है कि ये अरे रे 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 रे, अब ये मारना स्टार्ट कर। नहीं, गलत टाइम। ओ जीत गए, सब बस। तो हमने सक्सेसफुली एक मैच कंप्लीट कर लिया है। टेम्परेचर देखे क्या, अच्छा एक मैच के बाद एक बार चेक करते हैं टेम्परेचर है कितना आखिर। ओके, अच्छा ये बार बार बॉडी पे चेंज हो जाता है, सरफेस पे है ये 37, तो बड़ा तो है टेम्परेचर इसका। ओके, सामने की तरफ 34, 32, जहाँ पे सीपीयू रहता है ना वहाँ थोड़ी फ़ोन हीट हुई है, अदरवाइज नीचे की तरफ अगर मैं देखूँ तो नीचे की तरफ 34 है, बहुत ज़्यादा नहीं भरा है। लेट्स सी, एक और मैच खेलते हैं। सो सेकेंड मैच हमने स्टार्ट कर दिया है, देखते हैं सेकेंड मैच के बाद परफॉर्मेंस कैसी रहती है। फर्स्ट मैच तो अच्छा गया था, बट फर्स्ट मैच में सारे ही बॉट्स थे, तो बहुत ज़्यादा असर नहीं हुआ। प्लेयर्स जब आएंगे थोड़ा भागना दौड़ना पड़ेगा, कुछ इक्विपमेंट्स हम यूज़ करेंगे जैसे एक्सप्लोजन हो गया, तो वो सब अगर यूज़ करते हैं तो उसमें देखना पड़ेगा क्या फ्रेम ड्रॉप हमें देखने को मिलता है। गए काम से ये, इसके कंट्रोल्स एक बार मुझे ठीक करना पड़ेगा, एक सेकंड। जला दिया। सो कंप्लीट होता है दूसरा मैच, कंप्लीट हो गया। दूसरा मैच भी बढ़िया था,
फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिला हमें, बट अभी टेम्परेचर मेजर हम नहीं करते हैं, एक और मैच खेलते हैं, 3 मैच हो जाएगा, उसके बाद हम टोटल टेम्परेचर मेजर करेंगे कि देखते हैं कितना बढ़ा है एकदम जीरो से। तो शुरू में 31-32 हमें टेम्परेचर दिख रहा था, बाद में जब हमने टेस्ट किया तो 37 तक गया था ये हाईएस्ट। अभी देखते हैं वापस 3 मैच खेलने के बाद कि कितना टेम्परेचर एक्चुअल में फ़ोन का बढ़ता है। और यहाँ पे मैं बार बार बताता चलूँ कि One UI 4 का अपडेट आया है, इसकी वजह से मैं इसकी गेमिंग टेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि पहले से भी गेमिंग टेस्ट इसकी अवेलेबल है, बट One UI 4 के बाद फ़ोन की परफॉर्मेंस एक बार देखनी पड़ती है। एक मेजर एंड्रॉयड अपडेट के बाद फ़ोन की परफॉर्मेंस में थोड़े बहुत तो चेंजेस आते हैं, तो उसको मेजर करने के लिए हम यहाँ गेमिंग टेस्ट कर रहे हैं। इस बात का ध्यान रहे ये कोई नया गेमिंग टेस्ट नहीं है, और ये उन लोगों के लिए बेसिकली है जो आज की तारीख में इस फ़ोन को लेना चाहते हैं। और एक सेकेंड, हाँ तो मैं कहा था, हाँ ये उन लोगों के लिए बेसिकली जो आज की तारीख में फ़ोन को लेना चाहते हैं और उनको One UI 4 के साथ ही ये फ़ोन मिलेगा, बेसिकली वो फ़ोन खरीदेंगे और अपडेट आ जाएगा, तो उनके साथ जो परफॉर्मेंस रहेगी 1-2 साल तक उसको चेक करने के लिए हम बेसिकली अभी ये गेमिंग टेस्ट कर रहे हैं। अबे भाग मत, इनके पास पता नहीं इतना स्नाइपर कहाँ से है, ये प्लेयर्स हैं क्या? क्योंकि इस बेसिकली इस मैप में ना मैं कई ऐसे दोस्तों को जानता हूँ मेरे, वो स्नाइपर यूज़ करते हैं, तो अरे मैं खुद भी जाए यार, इसीलिए मैं बोलता हूँ मैं कमेंट्री करते हुए गेम नहीं खेल पाता, मैंने खुद को ही मार लिया अपने बॉम्ब से। I am noob, यहाँ ना वो लगाना पड़ेगा तन में भटका, I am noob वाला चीज़ एडिटिंग में। खत्म, फिनिश, 3 मैच हो गया, अब देखते हैं टेम्परेचर किस हद तक बढ़ा है यहाँ पे। हाँ इसका मोड चेंज करना पड़ेगा पहले, एक मिनट, इसको बंद करूँ। ओके अब देखते हैं, बॉडी सरफेस आ गया, 37 और 38। बेसिकली इसका प्रोसेसर जहाँ 39, ओ गॉड, 39.5 40, ओहो तो 40 हाईएस्ट हमें देखने को मिला 3 मैच के बाद, ठीक है। कैमरा लेंस पे पहले जैसा ही टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं है, बट एक चीज़ है जहाँ प्रोसेसर लगा होता है ना वहाँ कुछ ज़्यादा ही गर्म होता है ये, हालांकि 40 में बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैंने देखा है 50 तक टेम्परेचर टच हो जाता है कई बार, तो अगर आप हैवी गेमिंग करते हो। सरफेस अभी भी 25 है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, बिकॉज दोनों तरफ लाइट्स जल रही है ना, तो थोड़ा सा गर्मी और भी हो सकता है इसके कारण। 36-37 हाईएस्ट हमने 40 नोटिस किया था ना ऊपर की तरफ, 38 हाईएस्ट 40 रीडिंग किया था, बट अब 40 आ रहा है तो शायद ठंडा हो रहा हो, देखते हैं। अब खेलते हैं हम Asphalt 8, 3 मैच हमने कॉल ऑफ ड्यूटी के खेले, अब खेलेंगे Asphalt 8, उसके बाद खेलेंगे न्यू स्टेट्स। मैं BGMI खेल सकता था बट न्यू स्टेट्स नया था, तो मैं खुद भी ट्राई करना चाहता था, और कैमरा पे खेल भी लेंगे, टेस्टिंग भी हो जाएगी। और एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि न्यू स्टेट्स बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज नहीं है, तो उसको ये फ़ोन कैसे हैंडल कर रहा है ये भी हमें देखना होगा, इसके वजह से भी न्यू स्टेट्स खेलना ज़रूरी हो जाता है। तो एक बार देखेंगे, पहले खेलते हैं Asphalt 8। ग्राफिक्स तो इसमें सही आ रहा है, बहुत सही तरीके से दिख रहा है, उसमें कोई जिटर या लैग नहीं है या फ्रेम ड्रॉप नहीं है, स्टार्टिंग एनिमेशन में कुछ भी नहीं है, स्टार्टिंग एनिमेशन एकदम क्लीन है। आई थिंक Asphalt 8 में वो चीज है कि दूसरे कार को अगर हम क्रश कर देना तो हमें पॉइंट्स मिलती हैं या शायद बूस्टर मिलता है, तो एक बार ट्राई करके देखते हैं। ओए भाग मत इधर। ओके यश, हाँ, दूसरे कार को क्रश कर, अब मज़ा आएगा, अब मुझे कार दिख जाए खाली। अच्छा पता है इसमें एक टर्न अराउंड होता था, मतलब जब आप जंप, ओ हो, अबे नहीं, शिट, कर्मा वर्क्स, शिट यार, ये रेस सही नहीं जाएगा, फोन सही परफॉर्म कर रहा है, मैं परफॉर्म सही नहीं कर पा रहा हूँ, क्या ये फोन तो पूरा साथ दे रहा है, अभी तक कोई फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिला। आपको मिला? अगर मिला है, दिख रहा है आपको, क्योंकि मैं एक साथ बोल भी रहा हूँ खेल भी रहा हूँ, तो ध्यान दोनों जगह, इन केस अगर मैं कुछ मिस कर रहा हूँ तो उसको आप नोट कर सकते हो, इसलिए मैं एकदम लाइव खेलते हुए रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको विदाउट एनी कट्स।
अच्छा साउंड मैंने ना गेम की ये फ़ोन से ही रिकॉर्डिंग हो रही है, तो मैंने अलग से कुछ सेटअप नहीं किया साउंड के लिए, तो जो भी आ रहा है वो आपको एकदम स्टॉक साउंड देखने को मिला, जो भी बेसिकली माइक कैच कर रहा है। और क्या स्टॉक साउंड का मतलब, जो भी माइक कैच कर रहा है। और इसकी वॉल्यूम भी मैं दिखा देता हूँ, एकदम मिड पे है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है। कम एंट्री करते करते खेलो ना, तो हो सकता है बातों में आपको थोड़ी बहुत कहीं कहीं कट्स दिखे, तो वो नॉर्मल है, थोड़ा झेल लेना। ये मैच हमने जीत लिया दोस्तों, ये मैच हमने जीत लिया है। अब इसको बंद करते हैं, मैंने बैकग्राउंड में जितने भी ऐप्स हैं उन सब को बंद कर दिया, अभी 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 जस्ट बंद किया। अभी एक काम करते हैं, चेक करते हैं सरफेस। ओके ये क्या कम हो गया, 40 तक आया था यार। अच्छा ये मेरे पकड़ने की वजह से कम हुआ है क्या, शायद मतलब हो सकता है। यहाँ पे टेम्परेचर मुझे उम्मीद था कि 40 मेंटेन रहेगा, 40 एकदम टच हो जाएगा, लेकिन टेम्परेचर थोड़ा डाउन होता हुआ नज़र आ रहा है, ये थोड़ा वियर्ड है, ये मैंने पहले नहीं देखा। टेम्परेचर सेंसर तो सही है, हाँ ये तो सही काम कर रहा है, सामने की तरफ देखें पर मैं सब जगह 34-35 के आसपास टेम्परेचर हमें दिख रहा है। पहले हमें 40 तक भी दिखा था, पर अभी थोड़ा सा काम डाउन होता हुआ नज़र आया ये, जबकि हमने ग्राफिक्स सेटिंग्स भी बढ़ा दी थी एसफॉल्ट 8 खेलते वक्त। अब एक बार खेलते हैं न्यू स्टेट्स। न्यू स्टेट्स मैंने पहले सेटअप नहीं किया था, पहले जल्दी जल्दी सेटअप कर लेता हूँ, उसके बाद मैच स्टार्ट करते हैं। मतलब इसमें एक बार में बर्स्ट मोड ही है, मतलब पूरा मैगजीन खाली नहीं कर सकते। ओके गन्स के ऊपर भी आई गेस डिपेंड करता होगा। गया काम से ये, ओह मैन जीत गए, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलो एक बार टेम्परेचर देखते हैं, मैच तो काफ़ी सही था। वो फ़ोन काफ़ी गर्म हो चुका है, मतलब लिटरली अब ये मेरे को हाथ में फील हो रहा है, तब से फील नहीं हो रहा था लेकिन अब फील हो रहा है। 36 बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है। 38 ओके, कैमरा के पास काफ़ी गर्म है। 36-38 हमें अभी हाईएस्ट मिला है, इससे पहले 40 मिला था। 38 हाईएस्ट है नीचे की तरफ, नहीं 36-38 हाईएस्ट मिला रीडिंग। उसके बाद यहाँ भी 38-39 मुझे लगा ही था ये गर्म हुआ है फ़ोन। 39 काफ़ी मिल रहा है रीडिंग्स। ओके स्क्रीन काफ़ी गर्म हो चुका है, नीचे की तरफ होता नहीं, मतलब जहाँ प्रोसेसर लगा होता है ना वहाँ गर्म है, लगभग 40 के आसपास है।
तो 40 तक टेम्परेचर गया है, जहां पे रूम टेम्परेचर अभी है वर्तमान 26 की, रूम टेम्परेचर भी 2 डिग्री के आसपास बढ़ी है। सो गाइस, ये थी गेमिंग टेस्ट। यहाँ पे हमने टेम्परेचर को भी देखा, लगभग फोन सही काम कर रहा है। यहाँ पे एक बार बैटरी देख लेते हैं, खासकर न्यू स्टेट्स खेलने के बाद बैटरी डाउन हुई है, बैटरी ज़्यादा डाउन हुई है। यहाँ पे 76% बैटरी दिखा रहा है, हमने 90 प्लस से स्टार्टिंग की थी तो उस हिसाब से बैटरी डाउन हुई है। लेकिन हमारा प्रॉमिस था आधा घंटा खेलने का, हमने लगभग 1 घंटा गेम खेला है, 1 घंटा से 1 घंटा से थोड़ा ज़्यादा ही खेला है। तो यहाँ पे ये भी एक चीज़ नोट करने वाली है। अब मैं एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ जो पहले मैं नहीं दिखा पाया था, बेसिकली मेरे को शुरू में दिखाना चाहिए था, वो है कि क्या ये फोन One UI 4 पे रन हो रहा है। तो हम यहां जाएंगे सॉफ्टवेयर अपडेट्स में, सॉरी अबाउट फोन्स में जाने के बाद सॉफ्टवेयर इन्फो में। अब यहां पे हमें दिखेगा, सॉफ्टवेयर इन्फो में जाना था, मैं स्टेटस इन्फो में बार बार जा रहा हूँ। ये रहा सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे देखिए वन यूआई वर्जन 4.0। तो ये फोन वन यूआई वर्जन 4 पे ही रन हो रहा था और उसमें हमने गेमिंग टेस्ट की है। ये बार बार आउट ऑफ फोकस हो रहा है, इसको एक बार ठीक करना। तो उसमें ही हमने टेस्ट रन किया था और देखा कि ये फोन किस हिसाब से चीज़ें हैंडल कर पाता है, और अपडेट होने के बाद इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आया। तो अभी तक हमें कोई दिक्कत फेस करना नहीं पड़ा। फोन थोड़ा सा गर्म हो रहा है, लेकिन यही चीज़ मैंने जब पहले गेमिंग टेस्ट की थी उसकी वीडियो मैंने अपलोड नहीं किया, आपको इंटरनेट पे और भी वीडियोस मिल जाएंगी, तब यही फोन उतना ही गर्म हो रहा था जितना आज हो रहा है। यानी कि एक्स्ट्रा हीटिंग इश्यूज नहीं आए हैं सॉफ्टवेयर के कारण, नए एंड्रॉइड के कारण एक्स्ट्रा कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं आया है, और ना ही हमें फ्रेम ड्रॉप देखने को मिला। इवन न्यू स्टेट्स में भी हमें फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिला। तो यहां पे देख सकते हैं कि जो नया अपडेट है उसके आने के बाद बहुत ज्यादा मेजर कोई इशू नहीं है, और यही मोटिव भी था गेमिंग टेस्ट करने का कि ये फोन अगर आज की तारीख में कोई लेने की प्लानिंग कर रहा है, 30,000 के आसपास इसकी प्राइस है, तो यहां पे उसको जो मिलेगा वो मिलेगा One UI 4 के साथ। और क्या One UI 4 के साथ इसकी परफॉर्मेंस बरकरार है? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं हाँ, One UI 4 के साथ इसकी परफॉर्मेंस अभी तक तो बरकरार हमें दिख रही है। सो गाइस, इस वीडियो में था बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको यार गेमिंग टेस्ट पसंद आएगा। पसंद आएगा तो प्लीज़ यार लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन कॉल पर कर दो, ताकि इस तरह के वीडियोज़ आप मिस ना करो। इसके बारे में क्या ख्याल है, परफॉर्मेंस के बारे में क्या ख्याल है, और आपने कभी भी मेजर अपग्रेड के बाद जब एंड्रॉयड अपडेट आया आपके फ़ोन में उसके बाद क्या परफॉर्मेंस इशूज देखे हैं अपने फ़ोन में, इसके बारे में भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि दूसरे जब वीडियोज़ देखने आए और कमेंट पढ़ें तो उनको भी पता चले इन सब चीजों के बारे में। और ज्यादा जानकारी के लिए सोशल मीडिया पर तो आप फॉलो कर ही सकते हो। मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।